कक्षा 8वीं विषय हिंदी जैम शिक्षण संकुल की तरफ से आपका स्वागत है। हम आज उलझन सुलझन पढ़ेंगे। उलझन जो सुलझन है वो है पहेलिया। हम लोग पहेलिया से हमारा ज्ञान बढ़ता है। पहेलिया पढ़ना और पहेलिया सॉल्व करना वो एक कला है। तो उसके आगे का था जो हंसना मना है वो हमने आपको सिखा दिया था। तो आज हम पढ़ेंगे पहेलिया। पहेलिया छात्रों की विचार शक्ति का विकास होता है। उसमें से सोचने की शक्ति बढ़ती है और मनोरंजन भी मिलता है। और उलझन सुलझन जो पाठ का यही हेतु है। तो ये जो उलझन सुलझन जो पाठ है आपका जो पहेलिया है, पाठ नहीं है, जो पहेलिया है जो हमें आज वो सुलझानी है। तो उलझन सुलझन की जो पहेलिया है उसमें पहली पहेली है, उसका अर्थ है कि एक फूल काले रंग का सिर पर सदा सुहाता, तेज धूप वर्षा में खिलता, छाया में मुरझाता। एक काले रंग का फूल जो होता है के सिर पर बहुत अच्छा लगता है, तो धूप और बारिश में खिलता, छाया में वह सूख जाता। तो क्या आएगा? छाता। छाते को हम जब बारिश की मौसम होते हैं तब हम छाते को कहाँ पे रखते हैं? सिर पर रखते हैं। और वो सूखने के लिए रखते हैं तो वो सूख भी जाता है। तो पहली है उसका का आंसर आएगा छात। दूसरी है कि चोर नहीं, डाकू नहीं, नहीं कहीं किरानी, 32 सिपाही घेरे रहते, तन मन पानी पानी। तो क्या आएगा उसमें? जीव आएगा। तो के चोर नहीं, डाकू नहीं, कहीं की रानी। जीव के बिना हम नहीं बोल सकते, खा पीते, पीते टेस्ट नहीं उसका मालूम पड़ता। और 32 सिपाही, 32 सिपाही यानी कि दांत। दांत क्या करते हैं? उसके कीड़े रहते हैं ऊपर नीचे, तन मन पानी पानी। तो उसमें वो पहेली का आंसर आएगा का जीव। तो तीसरा है कि नाम मेरा तीन अक्षर का, रहने वाला सागर तट का, खाने में आता हूँ, काम बोलो बच्चों मेरा ना, यानी कि नमक। तो नमक का नाम है तीन अक्षर का। खाने में नमक के बिना हमें खाना अच्छा नहीं लगता। तो खाने नमक के बिना हमें खाना टेस्टी भी नहीं लगता। तो जो नमक होता है तो खाने में हम उसको उपयोग करते हैं। वो समुद्र किनारे रहता है, समुद्र में से हमें नमक मिलता है। तो बच्चों क्या आएगा उसमें? नमक आएगा। चौथा है आदि कटे तो दशरथ सुत होता, मध्य कटे तो आम, अंत कटे तो काटू, लड़की बोलो मेरा नाम। आराम आएगा। ये जो पहेली है उसमें आराम आएगा। पांचवी पहेली है दो सखियां दोनों चंचल, फिरती फाटक खोले, सो जाए तो सपने देखे, हंसे खुशी में दुख में रोले। तो क्या आएगी? आँखें। दो सखियां यानी कि दो आँखें हम बंद करते हैं, खोलते तो फाटक खोला, और सो जाए तो सपने। हम रात में सो जाते हैं तो सपने दिखते हैं ना, सपने आते हैं पर सुबह याद नहीं रहते हमको। तो सपने खुशी और में भी कभी कभी आँखों में से आंसू निकलते हैं, और दुख में भी हमें आँख में से आंसू निकलते हैं। तो के खुशी में भी और दुख में भी रो लो। तो क्या आएगा? आँखें। और छठी पहेली है कि दादा है पर दादी नहीं, भाई है पर बहन नहीं, नव है पर दस नहीं, रोजी है पर रोटी नहीं। तो ये जो पहेली है कि दादा है दादी नहीं है, भाई है पर बहन नहीं है, नव है पर दस नहीं है, और रोजी है पर रोटी नहीं है। तो क्या आएगा? दादा भाई नव रोजी। और जो आपको चित्र बताए गए हैं, एक पहला है सारंगी का चित्र और दूसरा है मोर का चित्र।
आपको ये जो पहेलियाँ है आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में ये सारी पहेलियाँ आपको लिखनी है। फिर से एक बार मैं आपको पहेली का गुजराती ट्रांसलेट बताती हूँ, ध्यान ध्यान से सुनिए। पहली जो पहेली है कि काला रंगनू एक फूल होय छे, माथा ऊपर खूब सारू लागे छे, आकरा तड़का में अने वरसाद में खीले छे अने छाया में गरमाई जाए छे। एटले के जे छतरी होय माथा ऊपर सारी लागे, तड़को हो तो पण आपणे छतरी ने लईने बहार जई शकीए अने वरसाद में पण आपणे एनो उपयोग करी शकीए, अने बंध करी दईए तो शुं थई जाए, गरमाई जाए। तीजुमां के छे जीभमां के ते चोर नथी, डाकू नथी, राणी नथी, बधा दांतोमां ની બે ઉપર નીચે દાંતની અંદર જીભ રહેલી છે અને કેનું તન મન પાણ જીભમાં શું હોય તમે પાણી કે જીભ કેવી હોય પાણીથી ભરેલી રહે છે। પછી ત્રીજી પહેલી છે એમાં શું કહે છે કે નામ નમક એટલે કે મીઠું, મીઠું મીઠાને હિન્દીમાં શું કહીએ નમક, તે ક્યાં થાય સમુદ્ર કિનારે ખાવામાં ડીલી ઉપયોગ થાય, આપણે ખાવામાં જો મીઠું ના હોય તો સ્વાદ વગરનું ખાવાનું ભાવે નહીં, તો કહે છે કે બાળકોને કહે છે કે તમારું નામ શું છે મને કહો। ચોથું છે કે આરામ, બરાબર, મારા નામનો પહેલો અક્ષર કપાઈ જાય, બરાબર, આ મ આરામ, બરાબર, તો કહે છે કે હું દશરથનો પુત્ર છું, જો વચ્ચેનો અક્ષર પણ કપાઈ જાય તો હું શું થઈ જાય આ મ રા કપાઈ જાય, તો અને છેલ્લો અક્ષર કપાઈ જાય તો લાકડી કાપવાનું અજાર બની જાય આ રા, એટલે કે મારું નામ કહો તો શું થાય એનું નામ કે આરામ। બે બહેન પણ પછી છે આગળ બીજી છે આંખ આવે છે જેમાં પાંચમી પહેલીમાં, તો કહે છે કે બે બહેનપણીઓ બહુ ખૂબ ચંચળ હોય છે કે આંખો ઉઘાડીને એને પણ શું કરે છે, આપણે આંખો ખુલ્લી હોય અને આંખો બંધ કરીએ તો, બંધ કરીએ તો કહે છે કે ફાટક બંધ થઈ જાય અને ખોલીએ તો કે ફાટક ઉગાડીને ફરતી રહે, સૂઈ જાય ત્યારે આપણને શું સપના આવતા હોય છે, ખુશીમાં પણ હસે અને દુઃખમાં પણ રડે છે। પછી છેલ્લી છે દાદાભાઈ નવરોજી, દાદા છે, દાદી નથી, ભાઈ છે, બેન નથી, નથી પણ દસ નથી, રોજી છે પણ રોટી નથી, એટલે કે રોટલી પણ નથી। તો તમારે એ વિદ્યાર્થી મિત્રો જી એ જો ઉલજન સુલજન કી પહેલિયા હૈ આપકો ઘર પે નોટબુક મેં ક્યાં લિખના હૈ શબ્દાર્થ, શબ્દાર્થ કે બાદ અભ્યાસ મેં જો પહેલિયા હૈ વો પહેલિયા લિખની હૈ। પહેલી હૈ પેડ, દૂસરી હૈ આમ, બારિશ, હાથી, મોર અને મોબાઈલ, તો એ આપકો ઘર પે લિખની હૈ। और आपको नीचे दिए गए उस चित्र में से च से शुरू होने वाले कितनी चीज़ों है आपको अभ्यास की नहीं लिखनी है, सॉरी चलेगा, आप पाठ्य पुस्तक की लिख देना, अभ्यास की नहीं लिखना क्योंकि उसमें में स्वाध्याय में कुछ नहीं है, है आप ये चित्र बताया गया है कि चौथे से शुरू होने वाले कितनी चीज़, यानी कि चित्र में जो बहुत सारी चीज़ें बताई गई है तो उसमें से कौन सी चीज़ चौथ से शुरू होती है। देखो चरखा दिखाया गया है, चट्टाई है चूल्हा बताया गया है, चाकू है, ऐसे हमें ढूंढना है कि कौन कौन सी चीज़ें चौथ से शुरू होती है। एक एक चीज़ें हम देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि कौन सी चीज़ है। तो ऐसे आपको च से शुरू होने वाली चीज़ों के नाम पाठ्य पुस्तक में ही लिख देना है। तो आज हमने जो उलझन सुलझन आपको समझाया है, क्या करेंगे घर पे आप ध्यान से पढ़ना और अपनी हिंदी की नोटबुक में ये उलझन सुलझन जो है वो भी लिख देना और शब्दार्थ भी लिख देना, और अपनी होमवर्क और हिंदी की जो नोट है वो होमवर्क वो आज जो होमवर्क दिया है वो कंप्लीट कर देना। थैंक यू।